रस्ते रस्ते ते खड़ी 5 मिनट बाद किसी को माड़ी मोटी बेचारे को आरसी नहीं गरीब बंदे को झट कट करके चलान कट देने कोई बुजुर्ग का कान पार जन सिर पार जन ओदो पुलिस सुती हुंदी है तुहाडी गड्डी छड पीछे लगी मेरे मैं भी तेज सीगा कोई मगर लगी ए मेनू नहीं पता लगी पीछे ऐसे करके लगी जाए कुछ नहीं मेरे फादर नहीं लो राती असि डिनर करके आ रहे बेचारे एक्टिवा असि गड्डी दे विच बैठे हुए सीगे एक लेडी दो लड़कियां ने गड्डी रोकी उन्होंने एक्टिवा दे अगे गड्डी ला के कहंदे कद कहते पैसे बाहर फादर इन लॉ मेरे इन्ने नाइस परसन है हेड पुजारी है गीता मंदिर दे उन्होंने कहा भरा तेन पैसे चाहिए तू पैसे ले लै उन्होंने अपनी दोनों जेबा चो पैसे कढ़ दिए कहना मुंडा कहना इन्हें मुंदरिया भी पाई मुंदरिया भी लाओ एदियां दोनों मुंदरिया उतार लिया नाल ही साडी गड्डी दी रिफ्लेक्शन देख के ड्राइविंग सीट दे उत्ते बैठ गए तुसीं मैनूं दसो कि एक बुजुर्ग बंदा नहीं सेफ यंगस्टर नहीं सेफ कोई बच्चा नहीं सेफ स्कूल दे विच किथे जावे आम जनता तलवार बार गड्डी मारना कहिंदा तलवार मारो इहदे सिर दे विच तलवार मार के इहनां दे सिर पाड़ो नाल ही साडी गड्डी दी रिफ्लेक्शन देख के अपनी ड्राइविंग सीट दे उत्ते बैठा जे किसे दे परिवारिक मैंबर नूं कुछ हो जाए कौन जिम्मेवार है मीडिया जिम्मेवार है या पुलिस जिम्मेवार है कोई जिम्मेवार नहीं हर किसी बंदे नूं अपनी तनखाह ना मतलब है आम जनता ना किसे नूं कोई मतलब नहीं प्रगट सिंह दे घर दे बाहर 10 बंदियां दी सिक्योरिटी होएगी की गल साडे बंदियां लई कोई सिक्योरिटी नहीं जे गल करिए बंदे साडे लई मिनिस्टर है जी प्रगट सिंह अपने घर लई मिनिस्टर होएगा बिल्कुल कुछ ही दूरी दे उत्ते उहनां दा घर है साडे लई मिनिस्टर है उहनां दी की सिक्योरिटी है मैनूं दस्सो कुछ ही दूरी दे उत्ते उहनां दा घर है 2 मिनट दे रस्ते ते प्रगट सिंह दा घर है बट हुणे मेरे नाल चलो 20 बंदे पुलिस दे उहदे घर दे बाहर कोई कुर्सी ते बैठा होएगा कोई खड़ा होएगा क्योंकि गल तुसीं ज्यादा मां दे लाल जम्मे हो बाकी कोई नहीं हैगा जी पब्लिक टैक्स तानू कोई कुछ कहन वाला नहीं हैगा इसलिए सरकार नूं टैक्स पे कर दे कि आए दिन लुट्टां दा शिकार हो जी इस करके मिडिल क्लास बंदा ही फसदा टैक्स भी भरो चोरियां भी कराओ घरां च भी चोरियां कराओ तुरदे जांदे भी चोरियां कराओ तुसीं इह मंत्रियां नूं ज्यादा सिक्योरिटी चाहिदी आम जनता नु कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिदी आम जनता सिर्फ मरण वास्ते रखी हुई है कादे ते सी नौजवान कुछ पता लग गया कादे ते सी डिजायर पुराने मॉडल दी गड्डी ते किन्ने जने सी लेडी सी दो जेंट्स की पहरावा की सी उहनां दा सर जेंट्स ने आई पेंट शर्ट लेडी मैं नहीं देखी ओ पहले लाइव लोकेशन दिखा के अंदर गड्डी दे विच बह गई बाद चो जेहड़ी लुट खो है ओ दो जेंट्स ने कीती फादर जदों गड्डी तो उतरदे आ फिर की किया जांदा आ तुहाडे जेहड़े फादर इन लॉ जेबा खाली कर फादर इन लॉ ने जेब खाली कर सीधा कोई होर गल नहीं फादर इन लॉ वरगा इंसान दुनिया दे विच नहीं हैगा उन्होंने कहा लै भरा तू लुट को क्योंकि अजकल दे जेंट्स नूं ते झट पता लग जांदा केड़ा बंदा चोर है ते केड़ा साध गड्डी दा नंबर नोट होया मैम सर गड्डी दा नंबर सवेरे पता चलेगा क्योंकि कैमरास दे विच शॉप खुलेगी सवेरे गड्डी दा नंबर पुलिस आई है दसो पुलिस आई है एक बारी दस दो आईओ साहब आए ने की लगदा की सुनवाई नहीं होएगी कोई सुनवाई नहीं होनी सर कोई सुनवाई नहीं बहुत तगड़ियां चोरी होनी है कोई सुनवाई नहीं विश्वास उड़ चुका सब चीजा मिनिस्टर तो विश्वास उड़ गया एम एल ए तो कौंसलर तो सब तो विश्वास उड़ चुका किसी का कोई क्योंकि गड्डी उनके लेडी सी दो जेंट्स लेडी उतर करके मैनू रोकिया उन्होंने मैं एक्सा रोकी कहते अंकल असिया लोकेशन पुछे करो मैं बेटे मैं इन्हें कुछ पता नहीं है कहने मेरे को फोन है मैं बेटे मैं इस चीज की कोई समझ नहीं जब इन्नी गल की उतर के आए उतर के पिछे आ गए मेरे मैनू मैं देखा नहीं उठा तो देखे उन्हें कह लगा तेरे को रुपये कितने हैं मैं कह यार रुपये बर्थडे तो उन्हें पैसे ले ले नाल ही कृपान करके पिछों कहना कहना नहीं मैं तो नहीं अच्छा 15-20 रुपया ले गई हां जी ਤੁਸੀਂ ਕਾਦੇ ਤੇ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਐਕਟਰਾ ਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੈਂ ਆਰ ਕੇ ਟਾਬੇ ਤੋਂ ਗੀਤਾ ਮੰਦਰਾ ਕੀ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਰ ਕੇ ਟਾਬੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਕ ਨਹੀਂ 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 ਗੀਤਾ ਮੰਦਰਾ ਇੱਥੇ ਚੀਮਾ ਚੌਂਕ ਮੰਗੇ ਲੱਗੇ ਅੱਛਾ ਚੀਮਾ ਚੌਕ ਤੋਂ ਮੰਗਾ ਲੱਗੀ ਸੁਨਸਾਨ ਏਰੀਆ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਚੀਮਾ ਚੌਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਦੇ ਤੇ ਸੀਗੇ ਲੱਗੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਅੱਗੇ ਤੇਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਦੇ ਤੇ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਐਕਟਰਾ ਸੀ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਸੀ ਬੱਚੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਸੀ ਜੀ ਗੀਤਾ ਮੰਦਰ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਜੀ ਨਕਦੀ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੰਦਰੀਆਂ ਲਵਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਕੰਪਰੇਟਿਵ ਨੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੈਸ਼ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੈਸ਼ ਸੀਗਾ ਕਿੰਨਾ ਗੋਲਡ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 20,000 ਰੁਪਏ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜੀ ਤੇ
ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵਾਈਟ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਏ ਦਿਨ ਹਨਾ 7 ਨੰਬਰ ਦੇ ਏਰੀਏ ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਨੀ, ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਫੁਟੇਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਜੀ, ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲੇ ਚ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੋਊਗੀ।